क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी को झटका लगने जा रहा है। दरअसल ये खबर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जिस तेजस्वी यादव से लगातार नीतीश कुमार दूरी बनाए रहे, आखिरकार 8 महीने बाद अचानक से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। सार्वजनिक तौर पर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी यादव को बुला लिया था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बंद कमरे में मुलाकात करते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर आकर एक बयान देते हैं जिसने इन संभावनाओं को और बढ़ा दिया। लेकिन जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी, ठीक उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों को बुला लिया, जिसने इस आशंका को और बढ़ा दिया है। आज एक नहीं दो बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही बीजेपी को करारा झटका दे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जब से एनडीए की सरकार बनी है, हर किसी की नजर बिहार में टिकी हुई है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। जबकि सोचिए, हाल ही में चुनाव कहां है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का ऐलान हो चुका है, झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने, लेकिन हर कोई बिहार में नजर गड़ा कर बैठा है क्योंकि उनको पता है कि टीडीपी कुछ करे ना करे, लेकिन बिहार में जिस तरह की सियासत और जिस तरह के सियासी बयान और जिस तरह के दावपेच चले जा रहे हैं वो बीजेपी के लिए खतरे से खाली नहीं है। और यही वजह है कि चिराग पासवान के बयान के बाद जो पैंतरा या जो दाव मोदी शाह की तरफ से चला गया वो उल्टा पड़ता नजर आया। यही नहीं, अब खबर है कि नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। बिना देरी किए खबर दिखाने जा रहा हूं, 12 टाइम्स की खबर है। बिहार में सत्ता पलट की आहट, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात और आरजेडी बीजेपी की बैठकों से बड़ा सस्पेंस। मैं चिराग पासवान की खबर को आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन इस मुलाकात की खबर पहले मैं आपको दिखा देता हूं, पहले मैं बयान सुना देता हूं आपको, पहले बयान सुनिए। तेजस्वी जी मिलने पहुंचे थे आप सीएम से, कुछ कहीं नीतीश जी से मुलाकात करने पहुंचे थे? श्याम नीतीश आप वो बता दिया जाए, वो तो ऑफिशियली जो है कोई और भी बात हुई है क्या? और सर क्या शेड्यूल लाइन वाले मामले को आपने मुख्यमंत्री हम भी कोर्ट पहुंच गए, आप रखिए, हम भी रखते हैं। चलिए नहीं, ले लीजिए खत्म हो गया। दरअसल एनबीटी बिहार ने इसे ट्वीट किया, लिखा पटना लगभग 8 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। दोनों मिलकर सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति का नाम पर मोहर लगाते हैं, क्योंकि उसमें होता है कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों होते हैं। लेकिन 8 महीने बाद अचानक से मुलाकात होना, वो भी खासकर बिहार में, वो भी खासकर नीतीश कुमार के साथ, बड़े पेचीदगी भरा होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण भी बता देता हूं। आप याद करिएगा, जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उसमें आप देखिए कई बार कोशिश की बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कि अकेले में मुलाकात नीतीश कुमार के साथ हो जाए, लेकिन वो मुलाकात करने से बचते हैं, या तो विधानसभा के अंदर मिलते हैं या फिर सार्वजनिक तौर पर मिलते हैं, जिससे ये एक संदेश ना जाए कि कुछ होने वाला है। लेकिन जब जब वो बंद कमरे में मुलाकात उन्होंने किसी से की, यकीन मानकर चलिए थोड़े दिनों बाद खबर आई कि नीतीश कुमार पलट गए। यही हुआ था उस समय भी जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए नीतीश कुमार, और अब भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 महीने में सिर्फ विधानसभा को छोड़ दी जो सार्वजनिक स्थल पर मिले हैं, लेकिन बंद कमरे में कभी भी इस तरीके से मुलाकात तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की नहीं हुई। जरूर इसे लेकर कहा जा रहा है कि सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, उस पद को भरने के लिए दोनों, चाहे वो मुख्यमंत्री हो नेता प्रतिपक्ष, दोनों मिलकर सहमति बनाते हैं। लेकिन खबर इन सबके बीच बहुत बड़ी है। खबर क्या है पहले मैं दिखाता हूं। नवारा टाइम्स ने जो खबर छापी है उसमें आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहा कि सियासत में संयोग कम होता है, साजिश की संभावना सदैव बनी रहती है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात अचानक नहीं बल्कि तयशुदा थी। मौका था राज्य सूचना आयोग में सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए मशवरे का। सूचना आयुक्त के चयन में सीएम और प्रतिपक्ष के बीच सहमति जरूरी होती है और शायद सहमति दोनों नेताओं ने बना भी ली है, पर सियासी गलियारों में चर्चा सूचना आयुक्त के संभावित नामों पर नहीं हो रही। चर्चा किसी नए सियासी गुल की आहट की हो रही है। अनुमान के लिए अलग अलग कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, इसलिए कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं। और खबर यह है कि जैसे ही ये मुलाकात की खबर निकल कर आई, इसकी जानकारी शायद बीजेपी को भी नहीं थी, और अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई वैसे ही बीजेपी खेमे में भी हड़कंप मच गया है कि जहां एक तरफ झारखंड चुनाव को लेकर हम ऐलान कर रहे हैं कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये बीजेपी के साथी होंगे यानी एनडीए का हिस्सा होंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान को साइडलाइन किया, तो वहीं जेडीयू क्या वाकई चुनाव से ठीक पहले यानी झारखंड चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ही कि गच्चा देने जा रही है? क्या झारखंड में तो बात की बात है, बिहार में भी
बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठेगी, इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त लालू प्रसाद यादव जो अभी हाल ही में बाहर से इलाज करा कर आए, विदेश से इलाज करा कर लौटे हैं, उन्होंने अचानक ही अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। खबर देखिए, लालू प्रसाद यादव ने विधायकों को बुलाया, उधर नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हो रही थी और इधर लालू प्रसाद यादव ने विधायकों को बैठक के लिए बुला लिया। बैठक में उपस्थिति अनिवार्य है। विधायकों के साथ विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहेंगे। सिंगापुर में स्वास्थ्य जांच कराकर लौटे लालू को हड़बड़ी में बुलाई इस बैठक की जरूरत का लोग आकलन करने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने फिर पाला बदलने का मन तो नहीं बना लिया। इस बीच तेजस्वी की नीतीश की सकारण मुलाकात से सस्पेंस और गहरा गया है। यानी एक तरफ मुलाकात हो रही थी किस किस की, नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, तो वहीं दूसरी तरफ खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने आनंद फानंद में कहा कि भाई आइए आप सबसे मुलाकात करनी है, जल्दी से आइए और सबका होना जरूरी है। खबर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अंदर खाने से तेजस्वी यादव जो मुलाकात कर रहे थे नीतीश कुमार से, ठीक उसी वक्त क्या फोन किया गया अपने पिता लालू प्रसाद यादव को कि ये चीज है, बुलाइए विधायकों को। इसने बिहार में एक सियासी हड़कंप मचा कर रख दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई अरोसा भरोसा किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ आरजेडी के लिए भी कह रहा हूँ और बीजेपी की, बीजेपी भी जानती है कि बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसे अभी बीच में गोदी मीडिया ने खबर दिखाई कि मंच पर बैठे थे लालू मोदी जी बैठे थे, नरेंद्र मोदी बैठे थे, उसी समय कहते हैं नीतीश कुमार की अब हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये बातें तो पहले भी कही थी उन्होंने, यही बातें तो तेजस्वी यादव के साथ कहते रहे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? यही बातें तो अमित शाह ने कही थी कि दरवाजे उनके लिए अमित शाह के लिए बंद खुल गए ना, तो इनमें कोई भरोसा नहीं है इनका। और नीतीश कुमार के लिए तो कहा जाता है वो कब पाला बदलेंगे, ये खुद सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़कर किसी को पता नहीं होता, इसीलिए इन तमाम चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं। अब दूसरी खबर दिखा रहा हूं, एक और जोड़ी बनने जा रही है बिहार के अंदर। पहले आप ये खबर देखिए, डेली हंट की है लेकिन ये वन इंडिया की खबर है, किधर जा रही चिराग की लो। दरअसल खबर क्या है, हाल ही में रामविलास पासवान के अध्यक्ष और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में नए सिरे से चर्चा में, हाल के दिनों में उनके बयानों गतिविधियों ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी के निर्णयों पर लगातार सवाल उठाने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन इस सवाल उठता है कि वे अपना सपना कैसा पूरा करेंगे। दरअसल एक खबर आई थी, आपको मालूम होगा, ये चैनल आपके चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने खबर दिखाई थी कि झारखंड की राजधानी रांची में जब अपने तमाम पदाधिकारियों और अलग अलग प्रदेश के अध्यक्षों से मुलाकात की थी, चिराग पासवान ने बैठक हुई थी बकायदा, और उसमें चिराग पासवान को फिर से 5 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था अपनी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। उस वक्त दो खबर आई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए, दूसरी ये थी कि ऐलान कर दिया था कि अगर गठबंधन बीजेपी के साथ होता है ठीक है, वरना हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान ने आगे आकर कहा था। लेकिन एक और खबर थी जिसे दबाने की कोशिश की गई, जिसमें बताया गया कि उसी बैठक में ये चर्चा हुई कि ठीक है सब चीजें, लेकिन अगला बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये खबर पर मोहर नहीं लगी, लेकिन इस पर खबर पर चर्चा जरूर हुई थी। अब चिराग पासवान उसी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के सामने दिक्कत क्या है? चिराग पासवान देखिए, नो डाउट उनकी पॉपुलरिटी है, लोकप्रिय नेता है, तेजस्वी यादव जैसे लोकप्रिय हैं वैसे वो भी लोकप्रिय हैं, लेकिन इतने लोकप्रिय भी नहीं है कि वो अपने दम पर बहुमत लाने का हिसाब किताब रखें। ये उनके सामने सबसे बड़ा हर्डल है, यानी कि मुसीबत है। दूसरी क्या है कि खबर यह है कि वो अगर जाते हैं बीजेपी के साथ, यानी एनडीए के साथ जाते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अश्विनी चौबे ने कहा था उसके बाद, तो आपको पता ही है अश्विनी चौबे से कहा था कम बोला करिए, शांत रहा करिए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कि बिहार सत्ता से हाथ न धो बैठे। अगर वो महागठबंधन के साथ या फिर आरजेडी के साथ जाते हैं तो तेजस्वी यादव पहले से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान एक ऐसी पार्टी का साथ चाहते हैं जो खेल बना ना सके तो बिगाड़ने में काम आए, यानी कहीं ना कहीं किंग मेकर के तौर पर उभरे चिराग पासवान। खबर क्या है कि प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, उसकी वजह मैं आपको बता दूं, हाल ही में प्रशांत किशोर लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो लालू प्रसाद यादव यादव परिवार, आरजेडी, बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, चिराग पासवान के लिए कुछ नहीं करे। खबर पढ़िए इसमें क्या लिखा है, चिराग पासवान दे चुके पॉजिटिव साइन। चिराग पासवान ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की तारीफ की और कहा कि वह बिहार में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भले ही चिराग पासवान अभी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक करियरों में उड़ रही अफवाहों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चिराग के मन में कुछ और ही चल रहा है, यानी कि सियासी समीकरण बहुत तेजी के साथ बिहार के अंदर बदल रहा है और सारे ही समीकरण बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं। नमस्कार।